अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड कौन है? वो एमए नहीं मिलता, इंडिया का कोड कमाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, मध्य प्रदेश की रहने वाली पूजा जाट 20 साल की रेसलर, जूनियर एशिया और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में ब्रॉन्ज जीत चुकी है। अब वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में नॉर्वे के ओस्लो में होने वाले वर्ल्ड सीनियर रेसलिंग के लिए जा रही है। पूजा अभी तक स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर दर्जनों मेडल जीत चुकी है। देवास की रहने वाली पूजा जब 10 साल की थी तो उनकी माँ का निधन हो गया था। उनसे छोटे दो भाई थे, लेकिन पूजा अपने उद्देश्य पर लगातार बढ़ती रही। पूजा स्कूल में 100 मीटर स्प्रिंट में हिस्सा ली, 2015 में स्कूल को रिप्रेजेंट किया। वो बगल के गांव में प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी, लेकिन अपनी छोटी लंबाई और एंकल पेन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकी। वो कहती है कि मेरे स्पोर्ट्स टीचर योगेश जानी ने मुझे रेसलिंग करने की सलाह दी। उन्होंने मोबाइल पर देखकर कुछ बेसिक दांव पेच सीखे थे और रेसलिंग के लिए प्रैक्टिस करवाना मुझे शुरू कर दिया। घर की जिम्मेदारी और कमजोर आर्थिक स्थिति के बाद भी उनके पिता परम नारायण जाट ने उसे रोका नहीं। पूजा की ट्रेनिंग से लेकर उनकी डाइट तक का खर्चा पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ कर्ज लिया, अपने खेत भी बेच दिए। गांव वालों की विरोधी बातें और तानों से भी उनके माता और पिता का सामना हुआ, लेकिन इसका असर उन्होंने न अपनी बेटी पर होने दिया और न उसे पहलवान बनाने के अपने जुनून और वचन पर। इलाके के कुछ लोगों ने उनके पिता को सुझाव दिया कि बेटी को क्यों खतरे में डाल रहे हैं, रेसलिंग में वो घायल भी हो सकती है, घर से बाहर इस तरीके से भेजना भी ठीक नहीं है। उसके बाद भी पिता ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और वो प्रैक्टिस करने लगी, और इस दौरान गांव के सरपंच का सहयोग मिला। वो आर्थिक मदद करने लगे, सरपंच ने जूते खरीद के दिए। सरपंच लक्ष्मी नारायण वेटलिफ्टर रह चुके हैं और 1986 में एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लिए थे। वो कहते हैं कि मैं अपने अधूरे सपने को इस बच्ची के जरिए पूरा होता देखना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने बच्ची का एडमिशन हरियाणा के गोहाना में सुभाष चंद्र बोस अकेडमी में करा दिया। ऐसी कहानी सुल्तान 2 की भी हो सकती है। आपकी क्या राय है कॉमेंट्स में जरूर बताए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा, एंड आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।